वेलकम टू लिसनर्स एंड व्यूअर्स, रिस्पेक्टफुली योर ऑनर्स, आई प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली बिजनेस लाइफ। आज का मेरा मौजू है सेकेंडरी एविडेंस, सानवी शहादत क्या होती है, कानून शहादत और ऑर्डिनेंस 1984 के तहत इसको क्या बोलते हैं और उसके लवाजमात क्या हैं, लॉ ऑफ एविडेंस, एविडेंस एक्ट क्या कहते हैं। उसमें वजाहत के लिए बयान करूंगा कि समथिंग इन पर्टिकुलर्स डॉक्यूमेंटेशन विच कन्फर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अनअवेलेबल प्राइमरी एविडेंस, रिप्रोडक्शन आर सब्स्टिट्यूट फॉर एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर आइटम्स फॉर ऑफ प्रूफ दैट इज ऑफर्स टू इस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर इशू इन अ लीगल एक्शन ऑफ कोर्ट। Prefer original or primary evidence wherever possible. This approach is called the best evidence rule. इसके लिए examples पेश करूँगा। Certified copies as per provisions of Evidence Act. Copies made from the original documents by mechanical process. Copies made from or compared with the original counterparts of documents as against the parties who did not execute them. Oral accounts of contents of documents given by some person who has himself seen that. Photographs of an original documents, a copy transcribed by or from a copy. These are the secondary evidence examples. तो नाज़रीन इकराम, इसके साथ गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, व्यू करें। ये कानून शहादत में कितनी किस्म की एविडेंसेस होती हैं, क्या उनको कानून अपनी ज़बान में कहता है और कब इनकी ज़रूरत पड़ती है, फाजल जज साहिबान मजाज अथॉरिटी फाजल अदालत में वो रिक्वायर करती है और उनको इंस्पेक्शन करती है, चेक करती है। जज साहबान अपनी जजमेंट के लिए एविडेंस को बहुत अहमियत देते हैं। टू रीच द कंक्लूजन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सेकेंडरी एविडेंस ये सिविल, क्रिमिनल, स्मॉल काज कोर्स, लार्ज काज कोर्स, एक मुकदमे में, एक केस में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि जब कोई सबूत ही नहीं होगा तो वो केस किस बेस पे रन करेगा, प्लेंटफ जो है, मुदई जो है, किस बेस पे वो केस करेगा, क्योंकि उसके पास कोई किसी भी किस्म की शक्ल में कोई भी सबूत नहीं है, तो उसका केस रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हर फैसले, हर मुकदमे के लिए कोई बुनियाद होती है, काज ऑफ एक्शन होता है, उसके साथ जो जितनी प्रोसीडिंग्स कार्रवाइयाँ होती हैं स्टेप बाय स्टेप कोर्स में, फाजल जज साहबान
मुख्तलफ मराइल में, मुख्तलफ प्रोसेस में, डिफरेंट प्रोसेस जो हैं उनके, उनमें एविडेंस को बहुत अहमियत देते हैं। शहादत किसी चीज़ को प्रूफ करने का नाम है, सबूत या साबित पेश करने का नाम है, सबूत देने का नाम है, जो एक लीगल जेन्युइन और ठोस शक्ल में, वो ज़बानी हो या कागज़ी हो या किसी आइटम या प्रोडक्ट या वो अशिया की शक्ल में हो, वो सबूत देना लाजमी होता है। तो ये चीज़ें कानूनी इंफॉर्मेशंस हैं। ये जो मैंने बयान की है चीदा चीदा आप तक पहुंचा रहा हूँ ताकि आपको पता हो सानवी एविडेंस क्या है या सेकेंडरी एविडेंस क्या है, इसके मीनिंग क्या है, ला अपनी ज़बान में इसको क्या कहता है। इनको याद रखना चाहिए, सुनना चाहिए, हमें तालीम की तरफ, आगाही की तरफ, अच्छे नॉलेज, अच्छे इलम की तरफ रजू करना चाहिए, उसको हासिल करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि बताने वाला कौन है, मगर ये देखना चाहिए कि वो क्या चीज़ बता रहा है, क्या इलम ट्रांसफ़र कर रहा है कि आपके लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू रिस्पेक्टफुली कि सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर व्यू करें, अपने कमेंट्स आरा से मुझे आगाह करते रहें। मेरा चैनल अभी ग्रोइंग प्रोसेस में है, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं साथ कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें सुनने से पहले, और दोस्त अहबाब को भी बताएं ताकि मैक्सिमम लोगों को कानून की आगाही हो सके। Thank you very much. Allah Hafiz.